Thank you, Vaidya sir. So now we are moving to our main project, main subject. So I request Bhante ji. So हमें धम्म जीवन पद्धति इस विषय पर मार्गदर्शन करें. So I request Bhante ji to please guide us for धम्म जी. भाई और बहनों, आज हम कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. धम्मपद ने कहा है कि छो मनुष्य पटिलाभ हो, किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्छानं जीवितं, किच्छं मच्छानं जीवितं. मतलब ये है कि मनुष्य का जन्म पाना बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है, एकाएक से नहीं मिलता है. ये बहुत अनूठी चीज है जो हम मनुष्य जीवन पा चुके हैं. किच्छो मनुष्य पटिलाभ हो, किच्छं मच्छानं जीवितं. हम ये जी रहे हैं, ये हमारी जीने की राह है. जिस तरह हम जीते हैं वो भी दुर्लभ है. इस तरह से जीना, नसीब होना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है. ये धम्मपद में कही गई बात है, बुद्ध का वचन है, और इसको हर आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है. भाई हम मनुष्य हैं, हम अपना मनुष्य जीवन जी रहे हैं, आखिर हमने एक मनुष्य के तौर पर स्वयं को जानने की कुछ कोशिश की है, स्वयं को समझने की कुछ कोशिश की है? बिल्कुल नहीं. अधिकांश लोग इस बारे में बिल्कुल अभिज्ञ हैं, अज्ञानी है. स्वयं को जानने की कोशिश करना ये कैसी के सोच में कभी आता ही नहीं. बस मनुष्य हैं, हम जी रहते हैं, हमारे मन को जैसे लगा वैसे जी रहे हैं, बस इसके अतिरिक्त उसका और कुछ मालूम नहीं कि भाई हम प्रत्यक्षात एक मनुष्य होने के नाते असल में क्या है. और एक मनुष्य जीवन जीने का मौका हमें मिला है, वास्तविक वो भी क्या है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. हम नहीं पूछते, अपने स्वयं की जानकारी हासिल करना बिल्कुल समझते ही नहीं. और तो और बड़ी मजे की बात है, हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, जीवित ही रहना चाहते हैं. और फिर कोई साधारण जीवन जीना नहीं चाहते, हम बड़ा सुख भरा आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं. जितनी खुशी हो, जितका आनंद हो, जितका मौका हो, उस सेलिब्रेट करने का, मनाने का, जश्न मनाने का, इस तरह का जीवन हम चाहते हैं. संक्षिप्त में, हम सुख की चाहत लेकर जीते हैं. हर आदमी सुख के लिए जीता है और जिंदगी भर मरते दम तक वो सुख की तलाश में रहता है, सुख के पीछे दौड़ते रहता है. और हकीकत तो ये है,
ये सुख कभी मिलता है कभी नहीं निकल जाता, वो आगे आगे दौड़ते जाता है, हम उसको कभी अपने कब्जे में नहीं कर पाते, हमेशा अंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, खाली खाली फन महसूस करते हैं, कोई मजा नहीं है भैया, तो कष्ट बहुत है, श्रम बहुत करने पड़ते हैं, दुख भी बड़ा है, नाराजगी बड़ी है, कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हके हम जीते भी क्यों हैं, क्या जरूरत है इस प्रकार के जीवन जीने की, इस तरह का नैराश्य भी हमें कभी कभी पकड़ लेता है। तो ये मनुष्य जीवन की हकीकत है, और इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए बुद्ध ने कुछ प्रयास किए। कौन से प्रयास किए? सबसे महत्वपूर्ण प्रयास उन्होंने ये किया कि अगर हर मनुष्य जीवन जीना चाहता है सुखमय, सुख से भरा, और प्रत्यक्षात वो हासिल नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो क्या दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान है, कोई उपाय है जिसको जानकर, जिसको अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को यथार्थ रूप से सही ढंग से जी सके, सुख में बना सके, उसको पूरा पूरा जीने की वो ताकत हासिल करे, वो अवस्था हासिल करे। और इसी सोच को लेकर सिद्धार्थ गौतम जो कि राजकुमार थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और इस सत्य की तलाश में जंगलों में घूमते रहे, प्रयास करते रहे। ये पूरी कहानी आपको मालूम है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। आखिर में उन्होंने क्या पाया, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस सुख को पाया, उस अवस्था को हासिल किया जिसके तहत वो हमेशा सुखमय जीवन जी सकते थे। दुख से उन्होंने पूरी तरह से अपना नाता तोड़ दिया था, दुख उनके करीब आ भी नहीं सकता था, उससे पूरी तरह से वो अलिप्त हो चुके थे और सुखमय जीवन जीते थे, जिसको निर्वाण कहा जाता है, वो निर्वाण की स्थिति में अपना जीवन के। और यही आदर्श, यही अपनी प्राप्ति, अपना खुद का अनुभव उन्होंने सभी मानव जाति के साथ शेयर किया, उनको दिया, उनको समझाया। क्यों समझाया? इसलिए कि हर आदमी तो सुख ही चाहता है, और सुख मिलने का ज्ञान उनके पास तो है ही नहीं, कैसे भी मैंने वो हासिल किया है, मैंने वो अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है मैंने, और मैं बिल्कुल सुखपूर्ण जीवन जी रहा हूं, इसके तो हर आदमी को जरूरत है। तो मेरा एक कर्तव्य है, उनके मन में दया जागृत हुई, एक करुणा जागृत हुई, मैत्री जागृत हुई, मेरा कर्तव्य है इन सभी दुखी मानव जाति की सहायता करूं। और तब उन्होंने अपने धर्म का, यानी अपने धर्म मत कहिए उसको, अपने इस अनुभव का लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनके अनुभव को धम्म कहा जाता है। शब्दशा देखें तो धम्म का अली और संस्कृत में, ये संस्कृत और प्राकृत में धर्म ही होता है, लेकिन ये आम धर्मों जैसा नहीं था, ये बुद्ध का अपना निजी अनुभव था, प्रत्यक्षात उन्हें पाया था अपने श्रम से, अपने प्रयासों से, और ये हकीकत तो लोगों को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, और इस वाक्य को आप भली भांति याद करके रखिए, कभी भूलना नहीं है। क्या उन्होंने चेतावनी दी, क्या कहा लोगों से, भाई मैं आपसे ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा हूं, कोई कल्पना आपको नहीं दे रहा हूं, कोई अंदाज नहीं बता रहा हूं, कोई भविष्य नहीं बता रहा हूं,
कोई तत्व ज्ञान नहीं बता रहा हूं, मन में स्वयं जिसको अनुभव किया, मैंने स्वयं जिस अवस्था को पाया, ये स्वयं मैंने जो देखा वही मैं आपसे कहता हूं और दूसरी बातें नहीं। तो पाली में कहा गया है, यम मया सामं दिट्ठं, यम मया सामं दिट्ठं, जो मैंने प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने देखा है, अनुभव किया है, तम हम वदामी, मैं वही कह रहा हूं, अलतू फालतू बातें नहीं कर रहा हूं। तो बुद्ध की शिक्षा की तरफ इस नजरिए से देखना है। वो किसी धर्म के संस्थापक थे, इस नजर से नहीं। वे अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपनी बात लोगों को समझाते थे, इस नजर से भी नहीं। एक मनुष्य होने के नाते उन्हें जो उन्होंने जो सुख पाया, अपनाया, प्रत्यक्ष जाना, देखा, वो अपना खुद का अनुभव वो दूसरे आदमी को कह रहे हैं, क्योंकि वो भी आदमी है, उनके जैसा ही इंसान है और उसकी शहद भी वही है सुख के। तो सुख चाहने वाले हर आदमी के लिए बुद्ध का यह वचन बहुत माने रखता है, बहुत महत्व रखता है कि बुद्ध के तरफ वो कोई धर्म संस्थापक के नजर से न देखे। उन्होंने अपना धर्म सिखाया, इस भावना से मत देखे, उनकी तरफ एक मनुष्य के नाते देखें कि जैसा मैं मनुष्य हूं वैसे बुद्ध थे, और जैसे मैं सुख कामी हूं, सुख की आकांक्षा रखता हूं, सुख की कामना करता हूं, सुख चाहता हो, उसी सुख को उन्होंने पाया है, प्रत्यक्षात हासिल किया है, और मैं भी उनके जैसा मनुष्य होने के नाते उन्होंने मुझे अपना वो ज्ञान दिया है कि भाई मनुष्य होने के नाते तुम भी सुख चाहते हो तो इस तरह से मैंने पाया है, आप भी करके देखो, आप भी पा जाओगे। बिल्कुल आश्वस्त किया उन्होंने सब। तो बुद्ध के उपदेश को, बुद्ध के धम्म को इस ढंग से जानना बहुत जरूरी है। अगर यहां गलती की तो हम बुद्ध के करीब नहीं जाएंगे, जा सकेंगे। ढेर सारे लोग दुनिया में हैं जो बुद्ध से दूर हैं, नहीं जाना चाहते, नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते। क्यों? तो उनके दिमाग पर ये बात सवार है, ये इंप्रेशन, ये परिणाम उनके दिमाग पर है, अरे उनका भी एक अलग सा धर्म है, मेरा तो अपना है ये, मुझे उस धर्म की क्या जरूरत है। तो धर्म के आडंबर में अटके हुए लोग बुद्ध की तरफ एक मनुष्य होने के नाते देखना नहीं चाहते, और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने जो पाया उसकी कीमत नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। गलती तो बुद्ध के लोगों की भी हुई है कि उन्होंने आगे चलकर अपने इस शिक्षा को धर्म के नाम से ही लोगों के सामने रखा, जो गलत था। कुछ भी हो, मूल मुद्दा जो है ये है कि बुद्ध एक मनुष्य थे, एक मनुष्य को देने के नाते उन्होंने सर्व सुख को पाया, और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने सब मानवता को इस सुख का मार्ग दिखलाया, ये इनका बड़ा फल है, ये उनका सही योगदान है, और इसको समझना ये सबसे पहला हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, एक मनुष्य जीवन तो हमने पाया, बड़ा दुर्लभ है इस जीवन को हम जी रहे हैं, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन उतना समाधानकारक नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है,
तो गड़बड़ कहाँ हो गई? बुद्ध ने कहा है गड़बड़ तो तुमसे ही शुरू हो गई। पहले खुद को जानो। अरे भाई क्या चीज है तुम, इसको तो पहचानो। हाँ हम एक प्राणी हैं, एक मनुष्य प्राणी है। यहां तक तो सभी अपनी पहचान जानते हैं, लेकिन इसी तरह एक प्राणी होने के नाते और भी दुनिया में जितने सारे प्राणी हैं उनकी तरफ भी देखो। जरा देखो किस तरह से जीते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, कीटक हैं, कीटाणु हैं, अनंत प्राणी ही विश्व में हैं। तुम प्राणी हो वैसे अन्य भी प्राणी हैं, लेकिन एक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अपनी खासियत है, अपनी विशेषता है, जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। मनुष्य सबसे निराला है, सबसे अलग है। इसकी क्षमता है, इसके अपनी ताकत बहुत भारी है, लेकिन वो स्वयं को पहचानता ही नहीं। मुसीबत तो यहां शुरू होती है, स्वयं को जानता ही नहीं। तो बुद्ध ने सबसे पहले ये देखने के लिए कहा, सिखाया उसको कि भाई पहले आंखों से देखना सीखो। तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम अंधे जैसा व्यवहार कर रहे हो। यह अंधापन आपको छोड़ देना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं छोड़ा, नहीं जाना, अपने अंधत्व को नहीं पहचाना, तो कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए धम्मपद में कहा है अंधभूतो अयम लोके लोको। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं, ये विश्व जो है, मनुष्य प्राणियों का जो जगत है, अंधा है, अंधा है, देखता नहीं, देखने की ताकत उसमें नहीं है। तेनु केथंग उपस्थिति, देखना ही नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। आगे चलकर कबीर ने भी यही बात कही, कबीर कहे ये जग अंधा। और हम इस तरह से अंधे होकर जीते हैं, अपने स्वयं के अंधेपन को हम नहीं पहचानते, नहीं जानते। और इसलिए बुद्ध ने कहा कि स्वयं को जानो, अपनी आंखें खोलो, जैसा है वैसा देखने की ताकत बढ़ाओ। लेकिन आदमी की समस्या तो बिल्कुल अलग है, आंखें खुली खुली रहती है, खुली आंखों से सब कुछ देखता है, और फिर भी अंधे जैसा ही व्यवहार करता है, देखकर भी समझता नहीं। तो आंखें खुली है, देखने की शक्ति है, लेकिन समझने की ताकत नहीं है। यह अलग ढंग का अंधेपन मनुष्य के पास है, क्योंकि केवल मनुष्य में ही ये खास ताकत है, अलग सी ताकत है, अलग सी विशेषता है, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। अन्य सभी प्राणी, प्रकृति ने उन पर जो मर्यादाएं ढाली हैं, उन मर्यादाओं के तहत ही व्यवहार करते हैं, जीते हैं, जीवित रहते हैं।
इस मर्यादा को नहीं छोड़ सकते, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए भी कुछ हद तक ये मर्यादाएं हैं, सृष्टि ने निर्माण की हुई प्राकृतिक मर्यादाएं हैं, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी एक शक्ति है जो मर्यादाओं को लांग सकती है, मर्यादाओं को पहचान सकती है, उसके उस पार जाने की कोशिश कर सकते हैं। इस शक्ति को ही मन की शक्ति कहा है। मनुष्य केवल शरीर से नहीं जीता, मनुष्य के जीने पर बहुत भारी प्रभाव उसके मन का होता है, जो अन्य प्राणियों के बारे में नहीं होता। उनका मन और शारीरिक जीवन प्रकृति की मर्यादा के अधीन रहकर ही चलते रहता है, क्योंकि उनका मन कमजोर है। सबसे शक्तिशाली मन अगर किसी ने पाया है तो मनुष्य ने पाया है। इसलिए बुद्ध ने मनुष्य का वर्णन किया है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, दो तगड़े अंग है तुम्हारे अस्तित्व के, एक तुम्हारा शारीरिक अस्तित्व है और दूसरा तुम्हारा मानसिक अस्तित्व है। शरीर और मन के सहारे तुम्हारा अस्तित्व साकार हुआ है, दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं, एक से काम नहीं चलता, दोनों से मिलजुल कर ही काम करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो नामं च रूपं च ये हो तुम, तुम्हारा मन है नामं और रूप है शरीर है। तो तुम्हारी बनावट जो है, तुम जिस तरह से तैयार हो गए, तुम्हारा निर्माण जिस तरह से हुआ है, इस निर्माण के दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। इसके बारे में पहले जागरूक हो जाइए। अगर इसके बारे में सही ढंग से जागरूक नहीं हो पाए तो मुश्किल है मनुष्य जीवन जीना। मन को ही इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, और मनुष्य के कॉन्शियसनेस बहुत ही तेज है, बहुत ही सामर्थ्यशाली है, जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य नहीं कर सकता, जिसकी गहराई में प्रत्यक्ष मनुष्य उतर नहीं सकता, इतने अथाह उसके मन की क्षमता है। और इस मन को बुद्ध ने सही ढंग से जाना और लोगों से लोगों को चेतावनी दी कि भाई पहले अपने अस्तित्व को जानो। हम व्यवहार में कहते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, तो हम वहां हमेशा एक मैनेजमेंट की दृष्टि से एक तत्व को लागू करते हैं। कौन सा? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो कौन सी शक्तियां हमारे पास विद्यमान है, कौन सी कमजोरियां हमारे पास विद्यमान है, जिनको जानकर ही हम उस प्रकल्प को, उस प्रोजेक्ट को, उस काम को सही तरह से निभा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को कम करते करते, अपनी शक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते हम यश को पा सकते हैं। ये व्यवहार की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट। तो व्यवहार में इस बात को हम समझते हैं, लेकिन अपने जीवन को उसको लागू नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। भाई हम भी तो जी रहे हैं, तो हमारे भी तो कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे,
हमारे भी कोई वीकनेसेस होंगे, हमारी भी कोई क्षमता होगी, हमारी भी कोई दुर्बलता होगी। क्या कभी हम इसके बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते। ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा यहां तक सोचते हैं, छोटी छोटी बातों में उसका एहसास करते हैं, लेकिन असल में अपने अंदर झांक कर हमें खोजने की कोशिश नहीं करते कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, कौन से है साधन हैं जिनको लेकर हम जी सकते हैं, उन साधनों का सही ढंग से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और जो अड़चनें आती हैं, आपत्तियां आते हैं, उनको भी निपटने की हम क्षमता बढ़ाते हैं। तो मनुष्य अपने इस अस्तित्व के बारे में अनजान होने के कारण वो सही ढंग से मनुष्य जीवन नहीं जी पा रहा है, ये बुद्ध ने कहा है। और सर्वप्रथम उन्होंने पहली बात उनसे कही है कि अगर तू चाहता है अपने जीवन को सुधारना, वो आंखें खोल, जिसको बुद्ध धर्म में सम्मा दिट्ठि कहा है, सम्यक दृष्टि को पाले। और ये सम्यक दृष्टि केवल चमड़ों की आंखों में समाई हुई नहीं है, इसके पीछे जो मन की आंखें हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो चमड़ों की आंखों के साथ मन की आंखों का तालमेल जब जुड़ जाता है तब आंखें खुलती हैं, तब हमें परिपूर्ण आंखों का लाभ होता है, हमारा अंधापन खत्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बुद्ध ने जो कहा है कि अंधभूत लोग हैं, ये किस अर्थ से कहा है? अंधभूतो अयम लोको, ये लोग, ये विश्व है, मनुष्यता, मनुष्यों का विश्व अंधा है। किस अर्थ से? क्योंकि यहां बड़ा अंतर पड़ा है उसके जीवन में। चमड़े की आंखें एक देखती हैं, मन की आंखों को पता नहीं चलता, वो और दूसरा ही देखती है, दूसरा ही समझती है। यह संतुलन खो गया है। और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मन के आंखें खोल। व्यावहारिक शब्द में सम्मा दृष्टि को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना, जानना, पहचानना, जैसा है वैसा ही समझ लेना। अगर जानने में कमजोरी आ गई, समझने में कमजोरी आ गई, तो यकीन मानिए मामला बिगड़ गया, असंतुलन निर्माण, अंधापन निर्माण हुआ। तो बाबा साहब ने भी हमको जिस तरह से कोशिश की समझाने की कि भाई सीखो, क्या सीखो? अरे तुम्हारे पास मन है, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें शिक्षा की जरूरत है और कुछ जानकारी की जरूरत है। उस पद्धति को अपनाना जरूरी है जो आपको अंदरूनी आंखें जो हैं वो देती है। मन कोई सामान्य बात नहीं है। पाली भाषा में मन के बारे में बहुत कुछ कहा है,
जो हमें समझना जरूरी है। हम कभी ऐसे कुछ भ्रम में रहते हैं, वे मनुष्य हैं, हाँ हमारे पास मन तो है लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है, इंटेलिजेंस भी है। तो मन और इंटेलिजेंस में फर्क करते हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं, ऐसा सोचते हैं, गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। मन जो है इसके बारे में पाली में जो कुछ कहा गया है, बुद्ध ने जो जो कुछ समझाया है, इन चंद शब्दों को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि मन किस तरह से वर्णन किया है पाली ग्रंथों में। पहली बात उन्होंने कही है कि मन ये ऐसी शक्ति है जो जानती है, अनुभव करती है, समझते हैं, जानने की, समझने की, अनुभव करने की जो ताकत है उसको मन कहा जाता है। पाली में कहा है विजानाति, मन विजानाति ये क्रिया करने में सक्षम है, जानने में, समझने में। फिर दूसरी बात कही है चिंतेति, चिंतेति यानी वो जमा करता है मन, इकट्ठा करता है ढेर सारी बातें, जो समझा, जो जाना, जो सुना इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है उसको, चिंतेति। और उसको याद भी रखता है, स्मरण भी करता है, याददाश्त में उसको पक्का कर देता है। तो हो जानने की शक्ति मन में है, इकट्ठा करने की, संचय करने की शक्ति है, स्मरण रखने की शक्ति है, और फिर द्वारा है चिंतेति यानी चिंतन करना है, सोचना है, समझना है, उसको परखना है। ये परखने की, चिंतन करने की भी ताकत उसमें होती है। तो पहला है विजानाति, दूसरा है चिनोति, चिनोति यानी संचय करता है, चिनोति शब्द है। तीसरा है सति, स्मरण करता है। चौथा है चिंतेति, विचार करता है, सोचता है। पांचवा है परिकपति, मन का ये पांचवा गुण है, पांचवी ताकत है, कल्पना करना, कल्पना करने की एक मानसिक शक्ति है परिकपति। फिर मनोति यानी जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ जाना है उसको वो दोबारा प्रकट करता है, साकार करता है, प्रत्यक्ष दिखता है, हम सपने देखते हैं किस तरह से, मन के कारण से जो कुछ अनुभव किया, वो अनुभव किया भी केवल मन का इतना सामर्थ्य है कि उस अनुभव को प्रत्यक्ष अपने अंदर उतार देता है, जैसे हम सिनेमा देखते हैं उस तरह से, ये मन की ताकत है साकार करने की, पुनः प्रकट करने की। और अंततः मन ही प्रेरणा देता है, चेतना देता है, उत्साह देता है। तो ये जो वर्णन पाली भाषा में किया है, ये सब वर्णन मन एक बुद्धि के तौर पर और भावनाओं के तौर पर किस तरह से एक हैं, समग्र हैं, ये स्पष्ट होता है। तो बुद्धि अलग नहीं है, मन का ही काम है, भावनाएं अलग नहीं है, मन का ही काम है। हम अनुभव करते हैं, विजानाते, समझते हैं, अनुभव करते हैं, सुख और दुख को पहचानते हैं, ये मन के कारण होता है, अलग से नहीं है। तो मन का ये विविध ढंग का काम है जिसमें बुद्धि और सभी कुछ आता है, और ये
हमारी असलियत है, हमारी असली शक्ति है, हमारी ताकत है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, समझते ही नहीं। आज की तारीख को भी ढेर सारे लोग हैं इस बात को समझते नहीं। उन्होंने मन को गृहित तत्व के रूप में माना है, मन है हमारे पास। अरे भाई कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या उसकी ताकत है, कुछ नहीं जानते। ये न जानने की मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसको ही बुद्ध ने कहा है कि अंधभूतो अयम लोको लोको, ये जगत जो है मनुष्य का अंधा है, ये सच्चाई नहीं देखता। तो हमारा अस्तित्व शरीर और मन से बना हुआ है, इस बात को हर आदमी ने, चाहे बुद्ध को मानो या न मानो, बुद्ध से कोई सरोकार न रखे, लेकिन अपने खुद के खिलाफ के लिए, अपने स्वयं के फायदे के लिए उसने ये समझना जरूरी है, ध्यान में लेना जरूरी है कि मेरा अस्तित्व शरीर और मन से साकार हुआ है, इससे बना हुआ है, इससे पृथक नहीं है, उससे अलग नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी ताकत जो है मन की ताकत है। मन के सहारे हम करते हैं, मन के सहारे सोचते हैं, मन के सहारे जीते हैं, मन के सहारे अनुभव करते हैं, मन के सहारे ही सब कुछ करते हैं। शरीर तो एक साधन मात्र है, लेकिन सब कुछ मन पर निर्भर है। अनुभव मन करता है, जानता मन है, सोचता मन है, समझता मन है, आनंदित होता है मन होता है, दुखी होता है मन होता है। शरीर तो बाहरी चीज है, ये तो साधन है, मन असल में सही शक्ति है। तो हम मन के कारण ही जीते हैं, मन के सहारे जीते हैं। मनुष्य जीवन पूरी तरह से अगर किस बात पर निर्भर है तो बुद्ध ने कहा मन पर। और इसलिए बुद्ध धर्म का प्रथम तत्व है मन। धम्म पद जो कि बुद्ध की शिक्षा का बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ है, उसमें बिल्कुल पहले दो जो श्लोक हैं वे विषय को लेकर है। मनोपुंगमा धम्मा मनुष्यथा मनोमया मनसाच पदुठेन भासति वा करोति वा तो नंग दुख मन भी थी चक्र वो हतो पतंग तो नंग सुख मन भी थी छाया वन पाई। मतलब इसका ये है कि मन ही सब कुछ है, मन ही करता है, कराता है, अनुभव करता है, सोचता है, समझता है, कल्पना करता है, सब कुछ मन ही करता है। मन में हमारे आता है तब हम कुछ करते हैं, मन को भाता नहीं हम उससे दूर रहते। मन के सिवा जीवन असंभव है, मन के सिवा जीवित रहना भी असंभव है। तो ये हमारी वास्तविक जीवन शक्ति है मन, और मन के सहारे हमारा जीवन चलता है। इस सच्चाई को मनुष्य ने अगर नहीं समझा तो अपने स्वयं को कभी पहचान नहीं पाएगा। जरूर नहीं कि उसने बुद्ध को मानना चाहिए, जरूर नहीं कि ही बुद्ध की शिक्षा को उसने कबूल करना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर वो वास्तविक मनुष्य बनना चाहता है और अपनी पहचान करना चाहता है तो बुद्ध का ये वचन, बुद्ध ने सच्चाई जो प्रकट की है उसको उसने देखना चाहिए, समझना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए।
बुद्ध कहते हैं कि हमारे मन में अगर बुरे विचार आ जाते हैं ततो नंग दुख मनवेती, दुखदायी पीड़ादायक कष्टदायक, ऐसे गलत विचार हमारे मन में आते हैं और उस विचार के अधीन होकर हम कुछ करते हैं तो गाड़ी को खींचने वाले बैल के पीछे जैसे गाड़ी रूपी चक्के के सहारे पूरा दुख ही दुख चलता है, वैसे हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है। गाड़ी के बैल के पीछे गाड़ी के चक्के के माध्यम से दुख ही दुख आता है, वैसे हमारे बुरे विचार अगर हम करते हैं तो उसका फलित उसका नतीजा बुरा ही होता है। यकीन मानिए जब हमें क्रोध आता है हम छीड़ते हैं तो क्या अवस्था होती है हमारी, बहुत आनंदी होते हैं और पीछीड़ भी आती हैं, बहुत खुश होते हैं और लोगों को गालियां भी देते हैं, संभव नहीं। क्रोध आता है तो हम स्वयं पहले लड़खड़ा जाते हैं, कंपित होते हैं, हमारा आपा खोल जाता है, सोच हमारी बंद हो जाती है, हमारी अवस्था ही दुख से भर जाती है और तब कहीं हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तब तक नहीं। स्वयं दुखी हुए बगैर आप दूसरों को दुख नहीं दे सकते, दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते, पहले तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन हम कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं, ऐसे होता है, गुस्सा आने जैसा उसने बर्ताव किया तो गुस्सा आने वाला है, बिल्कुल नेचुरल है, ये हमारा प्रतिवाद है, समर्थन करते हैं हम अपने आचरण का। बुद्ध कहते हुए तो ये तो बात बिगड़ गई यहां पर, अंधे हो तुम, स्वयं की दशा को नहीं देखते, तुम्हारे पर क्या गुजरी है नहीं देखते, अरे पहले तुम जलने लगते हो तो और किसी को जलाते हो, पहले खुद दुखी होते हो तो और किसी को दुखी कर सकते हो, इस सच्चाई को देखो, आंखें खोलो, देखो इसको, ये देखने के लिए ये समझने के लिए क्या बौद्ध बनने की जरूरत है, बुद्ध को मानने की जरूरत है, ये तो व्यवहार की बात है, हर इंसान के जीवन से जुड़ी हुई ये सच्चाई है, हर आदमी उसको जानने के लिए देखने के लिए मुक्त है, कोई बंधन नहीं उस पर। लेकिन इस मानसिकता को बढ़ाओ, इस बंधन को हटाओ, अगर किसी ने लगाया हो और तुमने स्वयं उसको अपनाया हो, बंधनों को तोड़ दो, और ये बिल्कुल नेचुरल ट्रुथ जो है, नैसर्गिक सच्चाई है, इसको अपनाओ। तो मन में आए बिगर हम नहीं करते, मन से हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या सही नहीं कि हम हमारी खुशियां बांटते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी खुशी में उनको शामिल कर लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ये खुशी है, जब सुखदायी सोच हम रखते हैं और सुखदायी सोच के माध्यम से कुछ करते हैं तो हमें सुख ही मिलता है, और ये सुख ऐसा है जो हम एक बीच छोड़कर नहीं जाता, तो जैसे हमारी छांव हमको कोई छोड़ते नहीं, हम जहां भी होते हैं हमारी छांव हमारे साथ होते हैं, उसी तरह सही ढंग से हमने सोचा, सही ढंग से किया तो सुख हमारे साथ उस छांव की तरह से हमेशा ही रहता है। कितना बड़ा सत्य बुद्ध ने इन दो गाथाओं में प्रकट किया है, ये अगर हम नहीं समझे तो हम खुद को नहीं समझ सकते, हम अंधे ही रहेंगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि सीखो, ज्ञान प्राप्त करो, टेक्निकल नहीं, वो तो जीने की कला है, पेट भरने के लिए काम आता है, जिसको इंग्लिश में स्किल्स कहते हैं,
आर्ट्स एंड स्किल्स, वो तो कमाने का ज्ञान है, लेकिन मन की ताकत को बढ़ाने का असली ज्ञान और है। और उस असली ज्ञान को अगर जानना है तो आपको बुद्ध के पास जाना जरूरी है। पूरे भारतवर्ष को बौद्ध बनाना चाहते थे, क्यों? भारत के हर आदमी को इसकी जरूरत है। इस जरूरत को अगर पूरा नहीं किया तो भारत में कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन उनके मन के अनुसार नहीं हुआ, उनके जाने के पश्चात लोग शिक्षा में तो आगे बढ़े, टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़े, कुछ धन भी कमाने लगे। धन के कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर भी बढ़ गया। क्या तो अच्छा हुआ से। लेकिन बुराई तब भी बाकी रही इस तरह से कि उन्होंने आपके मन की तरफ देखना ही छोड़ दिया। जिस सच्चाई को शिक्षा के माध्यम से जानना जरूरी है, उस सच्चाई की तरफ उन्होंने अपनी पीठ फेर दी। कि मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिए, अगर गुस्सा आए तो मुझे कुछ गाली देकर स्वयं को शांत कीजिए, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों पिछड़े जाति वर्ग के लोग हैं, करोड़ों। लेकिन बाबा साहब ने बताए हुए धम्म के मार्ग पर चलने वाले कितने हैं? और सही ढंग से जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इन बातों को पहचानते हुए, समझते हुए, उसको आकलन करते हुए उसको अपनाने की कोशिश करने वाले कितने हैं? कहने मात्र के लिए लोग बौद्ध हैं, कहने मात्र के लिए उनकी संख्या भी बड़ी भारी है, लेकिन करने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। अभिमान तो हो, लोग जताते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन करने के बारे में वो उतने ही पिछड़े हैं जैसे न मानने वाले लोग, कोई फर्क नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो सही शिक्षा पानी है, अपने मन को जानने की, अपने अस्तित्व को जानने की, और मन के माध्यम से स्वयं का जीवन जीने की जो शिक्षा पानी है, उस शिक्षा को उन्होंने पाया नहीं, अब तक छुआ नहीं। तो भाई और बहनों, ये जो कुछ छंद प्रवचन आगे होंगे, इनमें मैं आपको इसी सच्चाई से और अधिक अवगत कराने की कोशिश करने जा रहा हूं। हमारी शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, सही शिक्षा के माने क्या होता है, और उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को नए ढंग से किस तरह से बना सकते हैं, इन बातों को लेकर आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल चंद शब्दों में अगर कहना है तो कहा जा सकता है कि बुद्ध का जीवन मार्ग ये मनुष्य के पूर्णत्व का मार्ग जीवन मार्ग है। मनुष्य होने के नाते मनुष्यत्व में पूर्णता पाने का मार्ग जो है, शिक्षा जो है, ये बौद्ध जीवन मार्ग है। और इस बौद्ध जीवन मार्ग को समझना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए आज हमने कोशिश की
अपनी और अपने अस्तित्व की पहचान की। लेकिन आज हमने आधा ही देखा है, अपनी पहचान करने की कोशिश की है, अपने अस्तित्व की पहचान करना और भी बाकी है, वो अगली बार करेंगे। लेकिन जैसे हम अपनी समझदारी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही हम अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने में कामयाब होंगे। यकीन मानिए, आप में से सब लोग खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सही कौन सी है इसका किसी को पता नहीं। जिम्मेदारियां महसूस करती है व्यवहार में, हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, उसके लिए जिम्मेदार हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी। अरे भाई, ये तो सब ठीक है व्यवहार में, कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम पर अपनी स्वयं की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अगर है तो किस तरह की है और उसको किस तरह से निभाया जा सकता है? क्योंकि बहुत ही मुश्किल मनुष्य जीवन अपने पाया है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, उसको पाया है। तो क्या अपने ही मनुष्य जीवन को कोई न्याय देने का भी मार्ग है या नहीं? और क्या जिस स्थिति में आप हैं अपने जीवन को न्याय दे सकते हो? नहीं। और चूंकि हम अपने स्वयं को न्याय देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए सही माने में हम औरों के साथ न्याय करने में भी सक्षम नहीं हो सकते। पूरी तरह से तो न्याय नहीं दे सकते, अंश मात्र कुछ योगदान हो सकता है, छोटा छोटा कोई योगदान हो सकता है, लेकिन पूरा के पूरा योगदान हमसे नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने जो मनुष्य जीवन का सही मूल जाना है, उसके अस्तित्व की सही जानकारी उन्होंने हासिल की, उसको समझे बिना, उसको अपनाए बिना कोई मनुष्य अपने स्वयं को न्याय नहीं दे सकता, स्वयं के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। और चूंकि वो स्वयं के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो औरों के साथ भी उतना इंसाफ नहीं कर सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमें ये समझ लेनी चाहिए कि हमारा उत्तरदायित्व कई गुना अधिक है जो हम समझते हैं, कई गुना। और ये उत्तरदायित्व की शुरुआत अपने से होती है, स्वयं से, बाहर से कहीं से नहीं, यहां वहां का कुछ करने से नहीं, अपने स्वयं से। और इसी अपने स्वयं की जानकारी से हमने आज इस प्रवचन मालिका का आरंभ किया है। आज हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की, एक व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में। कल और आगे चलकर हम अपने इर्द गिर्द जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कल का अपना सवाल होगा, हम तो जी रहे हैं, क्या है हुए समझ गए हम लोग, लेकिन हम कहां जी रहे हैं, किस जगह, किस परिस्थिति में, किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, कहां कहां और किस तरह से जी रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। तब हम समझे कि हाँ, हमारे आंखों ने सब कुछ देखा, केवल आधा नहीं देखा, अधूरा नहीं देखा, पूरा के पूरा देखा। तो अपने बारे में अपनी समझदारी पूरी होने के लिए मैं समझता हूं कि हमें कल तक रुकना चाहिए, यानी अगले सप्ताह तक रुकना चाहिए, जब हम कहां पर किस तरह से जी रहे हैं
इसकी छानबीन करने की कोशिश करेंगे। समझता हूं कि आपके लिए कुछ कठिन भी होगा, लेकिन जितना सुलभ कर समझाने की कोशिश करनी थी मैंने वो करने की कोशिश की है और आपको अवगत कराया है कि कृपया आप अपनी तरफ जरा देखने की कोशिश करें, अपने इस अस्तित्व को समझने की कोशिश करें। यहाँ से आपको शुरुआत करना ही है, एक मनुष्य को होते नाते हो, एक मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं यकीन करता हूँ कि आप इस सच्चाई को हरदम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चुका है और अब कहने की आवश्यकता नहीं है इस विषय को लेकर, इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आपने बारीकी से उसको सुनने की कोशिश की है, मेरा जो प्रवचन है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम।